उतनी ही ताकत भरता है। सोने में जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पे जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुल पर खूब खनकता है, तब धुल पर खूब खनकता है। यहाँ पे आमंत्रित किया गया है तो सबसे पहले इसका हृदय धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी लोगों को। और यहाँ पे अध्यक्ष श्री रघुनाथ प्रसाद जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयप्रकाश दुबे जी, महामंत्री बनवारी राम मौर्य जी, अनुराग सिन्हा जी, कमलेश कुमार सिन्हा सिंह जी, शिव सागर पाल जी, रमेश चंद यादव जी, संतोष कुमार यादव जी, राजेश कुमार पटेल जी, कमलाकांत यादव जी, हरिलाल सरोज जी मेरे बगल में बैठे हैं, खड़े हैं, डॉक्टर तेज बहादुर यादव जी, और अगर कुछ लोगों के नाम छूट रहे हो तो लोग क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन यहाँ पे इस प्रांगण में उपस्थित हर एक व्यक्ति को हृदय से आभार और प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरे विधानसभा में इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और अधिवक्ता समिति का एक परिवार मुझे उसमें आपने एक जगह दी, उसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार। तो 20 साल से लगातार अधिवक्ता अध्यक्ष चुने गए हैं, उन्हें हृदय से मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। अगर बाबूजी केदारनाथ जी हमारे बीच में हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, बाबूजी को चरण स्पर्श करते हुए मैं प्रणाम करती हूँ। प्रेमचंद विश्वकर्मा जी हैं हमारे साथ और जो लोग भी रह गए हों आप सभी को हृदय से प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। समय थोड़ा कम है मेरे पास, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि SC ST कमेटी जो है उसमें मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा में एज ए मेंबर रखा गया है और कल वहां पे अधिकारियों की समीक्षा बैठक है और उसमें पहुंचना है सुबह, तो इसलिए मुझे लखनऊ जाना है। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए हमारे डॉक्टर साहब ने मेरे पिता तुल्य हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपको आना है, लोग चाहते हैं कि आप आए और आपकी ही विधानसभा में है, मछली शहर यहाँ तहसील में प्रांगण में हो रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा था। मैंने कहा बिल्कुल मैं जरूर आऊंगी और अपने लोगों से मिलूंगी और कुछ बातें अपने दिल की बातें जो है वो शेयर करूंगी। अगर लॉयर्स को देखा जाए और डॉक्टर्स को देखा जाए तो बड़ी सिमिलैरिटी है, बहुत मतलब कह सकते हैं कि ऊपर से भले काला कोट हो लेकिन अंदर से वाइट है कि नहीं? हमारा एप्रिल वाइट है और आपका ऊपर से कोट भले काला हो लेकिन अंदर से शर्ट आपकी वाइट है। तो चाहे वो एक लॉयर हो या डॉक्टर, हम सिर्फ वाइट जानते हैं, साफ सुथरी चीजें, सत्यता। जब महाभारत चल रही थी और अर्जुन को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था तो उनके सारथी बने थे श्री कृष्ण। और आज भी समाज में जब भी कोई व्यक्ति अपने किसी कष्ट में फंस जाता है और उसे कुछ नहीं समझ में आता है, कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो उसके सारथी बनते हैं आप लोग। तो अधिवक्ता जो है श्री कृष्ण का रूप लेकर के सारथी बनते हैं और जो व्यक्ति फंस जाता है उसकी नाव को वो पार करते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी मैटर हो, आप लोग हमेशा अपना जो भी आपका पर्सन होता है, जो कंसर्न आपके पास आता है, उसकी बातों को समझते हैं। और आप लोगों में एक बड़ी ही खूबी है, क्या बोलूं मैं, जैसे हमें खूबी होती है कि जब पेशेंट वॉक करके आता है तो उसके जेस्चर से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसकी बातों से, और कई बार तो कहते हैं कि फिर नब्ज देखी और बता दिया कि नहीं इसको क्या बीमारी है। तो उसी तरीके से आप में भी खूबी है कि आप लोग कोई किसके चाल ढाल बात से ही आप समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो वो जो इंसाफ का तराजू है वो आपके पास से भी शुरू हो जाता है। तो मैं एक बार चाहूंगी यहाँ पे जो भी हमारे अधिवक्ता हैं, एक बार अपने लिए स्वयं के लिए जिस तरीके से आप श्री कृष्ण का रूप लेकर के हर एक को कष्ट से दूर करते हो और सारथी का
का रूप लेकर के आप लोगों की मैया पार लगाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से सारे अधिकारी वक्ताओं के लिए मैं चाहूँ कि यहाँ पे उनका स्वागत किया जाए। कुछ लाइनें कहूंगी श्री कृष्ण के बारे में, क्योंकि मैंने कह दिया कि अधिवक्ता समाज जो हमारा है वो श्री कृष्ण का रूप है। तो श्री कृष्ण ने साफ कहा है, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा। जो भी आप कर्म करते हैं वो आपका फ्यूचर बन जाता है, वो कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। जब आपका कोई व्यक्ति आपके पास आता है और बड़ी बुरी सिचुएशन में रहता है तो आप उसे कुछ इसी तरीके से समझाते हैं। लोहा जितना तपता है लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने में जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पे जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धूल पर खूब खनकता है, तब धूल पर खूब खनकता है। और मैं अपने अधिवक्ता जो साथी हैं यहाँ पे उनके लिए कहना चाहूंगी कि आप लोग बातें बता रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं और सच की लड़ाई के लिए और सत्य को जताने के लिए आप लोग हर कठिनाई को पार करते हुए आगे चले जाते हैं, तो उससे ये कहना चाहूंगी सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम सब मिट्टी से जन्मे हैं क्यों सोचे राह सरल होगी। हम सब मिट्टी से जन्मे हैं क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, कुछ कुछ केसेस में ज्यादा वक्त भी लग जाते हैं, या मैं कहूँ 50% केसेस में ज्यादा वक्त लग जाते हैं, लेकिन आप हार नहीं मानते हैं क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ यहाँ पे उपस्थित सभी अधिवक्ताओं को, डॉक्टर साहब को और हमारे साथ उनसे भी जो मछली जी को सम्मानित कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, आप सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। समय कम होने के कारण यहाँ पर मैंने समय कम दिया तो उसके लिए भी मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, और साथ ही मैं इच्छा जाहिर करूंगी और जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राजेश शुक्ला विधायक मछली सर। हमारे आपके तरफ से कुछ देना होगा तो मैं आप लोग प्रस्ताव लेके आए, और मैं हमेशा मेरी यही मंशा रहती है कि किस तरीके से क्या कुछ अच्छा किया जा सके और क्या बेहतर किया जा सके, और आप लोगों के लिए जो भी मेरे लिए हो पाएगा जरूर करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।